संसार में इस तरह निराश हो जाऊं। इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति का टीका क्या मेरे ही मनहूस माथे पर लिखा है? नाथ, आपके भंडार में तो किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन ये मेरी प्रारब्ध राजन आपकी क्या व्यथा है, जरा हमें भी बताइए। क्या कहूँ गुरु जी अपने मन की व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। इस तरह ना उम्मीदी हुई मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। यदि हो जाता मेरे घर एक पुत्र, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घरे। किस तरह करूं मैं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम जमा। कोई पुत्र सा जग में पदारत नहीं, बिना बुनियाद रहती इमारत नहीं। अंधी आके गंजने में मरीशा नहीं, अंधी आके गंजने में मरीशा नहीं। आए जन्म हृदय का भला नहीं। चांद चढ़े सूरज भले दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। अब इस राज्य के गेर ही मालिक होंगे, ईश्वर तेरी लीला। राजन जल्द ही संगीरी जी को बुलवाइए और यज्ञ की तैयारियां करवाइए। मंत्री जी ऋषि जी को बुलवाइए।
बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा शकल दुख त्रास, मिटा शकल दुख त्रास। ऋषि जी धन धन भाग हमारे, दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप बना के। राजन कहो आप हमें आप हमें यहाँ क्यों बुलाइए? ऋषि जी गई उम्र सारी गुजरे, आज तक मेरे घर में पिछड़े ना हुआ, यही चिंता रहती है मुझे रात दिन, है जिगर मगर लगते जिगर ना हुआ। राजन इस तरह आए ना करो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा जल्द ही यज्ञ। मंत्री जी शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करवाई जाए। बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा शकल दुख त्रास, मिटा शकल दुख त्रास। ऋषि जी धन धन भाग हमारे, दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप बना के। राजन कहो आप हमें आप हमें यहाँ क्यों बुलाइए? ऋषि जी गई उम्र सारी गुजरे, आज तक मेरे घर में पिछड़े ना हुआ, यही चिंता रहती है मुझे रात दिन, है जिगर मगर लगते जिगर ना हुआ। राजन इस तरह आए ना करो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा जल्द ही यज्ञ। मंत्री जी शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करवाई जाए। Oh,
Thank you.
राजन आपके गंगा पार इलाके में। मुनि जी प्रणाम। राजन पचास आज मेरे अभोभाग्य वो मुनि जी मेरे यहाँ पधारे। कहिए मुनि जी मेरे युद्ध कोई सेवा हो तो बताइए। गजब गजब अनेक महानेक आपने गंगा पार इलाके में राज शिक्षा ने जो आफत बचाए रखी है वो हुआई है महाराज हुआई है। क्या कहा? मेरे राज्य में ये अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना जोरी। मैं अभी सेना लेकर देखते देखते उन सब का सफाया करता हूँ। इसकी आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मुनि जी इसके बदले में आप मेरी सेना ले जाइए। मैं राम लखन को अकेले कैसे भिजवा सकता हूँ? राजन आपने मुझे वचन दिया था रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। मुनि जी अगर आपकी यही आज्ञा है तो आप राम लक्ष्मण को लेकर जाइए लेकिन इनका पूर्ण ध्यान रखिएगा। राम लक्ष्मण राजन आप इतने अधीन में हो आपके पुत्र आपके राज्य और आपका नाम हमेशा चांद चांद लगाएंगे। जो अकेले लक्ष्मण इनका ऋषि जी के साथ में ऋषि जी के साथ में वन में जाइए और ऋषि जी को पिता तुल्य समझना और इनका आज्ञा पालन करना। ऋषि जी आप मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। जाओ बेटा राम चलो आगे कदम बढ़ाओ ठिकाने लगाओ इस पर हाथ उठाना माँ बाप है आपका बड़ा पश्चाताप है और क्षत्रिय धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। देखो वह किस तरह अधिकार सामने से बगी लगा रही है। राम बाबू जी मोनू जी गोविंद जी सरस्वती दर्शन मंडल को सुप्रीम भेज फिर से 10 रुपए। राम बाबू जी मोनू जी गोविंद जी दर्शन मंडल को सुप्रीम भेज फिर से 10 रुपए। राम बाबू जी मोनू जी गोविंद जी सरस्वती दर्शन मंडल को सुप्रीम भेज और फिर से 10 रुपए। राम बाबू जी मोनू जी
Thank you.
उछल रहा है बीच, अरे बच कर जाएगा कहाँ, आ पहुंचा मरीज, अरे आ पहुंचा मरीज, संभल कर आगे कदम बढ़ाना, खबर नहीं है शायद तुझको जाने मुझे जमाना, नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना, अरे मिलो जुलो जिससे मिलना खाना जो कुछ खाना। क्यों बयान में से निकल पड़ता है एक औरत का मारकर इतना करता है, उसने अपनी गंडी का बल पा लिया तो तू भी अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। गुस्सा मत दिला, को चलाना छोड़ दे, अगर अपनी जान की कैद चाहता है तो अभी भी हाथ जोड़ दे। चुप रह राजा, पीछे जा बेईमान, तेरी सीट पर मेरा सवार है, तू ही अपनी मौत का तलबदार है, मुँह से कच्ची बात मत निकाल, जरा तू भी अपनी जबान को संभाल। अरे कम्बल, अभी तो तेरे मुँह से दूध की बू आ रही है, तैयार हो जा, तुझे तेरी कजा गुजार रही है, अभी तो तेरे मुँह के दूध भी, अभी तो तेरे मुँह के दूध के दांत भी नहीं टूटे। Thank you.
गुरु जी ये पत्र कहाँ से आया है? ये पत्र द्रौपदी से आया, राजा की राजा जी ने पुत्र का स्वयंवर चाहा है और उसमें हमें बुलाया है। तो क्या गुरु जी हम भी उत्सव की शोभा देखने आ सकते हैं? हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी कीजिए, आप भी ही लोगों के लिए रचय है, हमें तो देखने के लिए बुलाया है। Thank you.